नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है ईश्वर नाम का व्यक्ति, और जब आप इनके बारे में जानेंगे तो दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यूं कहें तो दोस्तों यश में आपके होश उड़ने वाले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अक्सर अनजान व्यक्ति ही गड्ढे में गिरते हैं, क्योंकि दोस्तों उन्हें सही जानकारी नहीं होती है कि गड्ढा आखिर है कहाँ। जी दोस्तों, और आपको बता दें, जो जानकार आदमी है उन्हें पता होता है कि हमारे लिए कौन सी जगह जो है नुकसानदायक है और कौन सी जगह हमारे लिए लाभदायक है। जी दोस्तों, अगर आप भी इन व्यक्तियों से अनजान हैं जो कि आपको बर्बाद कर रहा है, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण जीवन के मूल मंत्र साबित होने वाली है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हर एक पॉइंट, हर एक छोटी से छोटी बात जो कि आपके जीवन काल में सटीक बैठती है, जो कि आपको सुनना चाहिए, जो कि आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बातें आपके ही जीवन काल में हो रही है, और अगर आप इन्हें अभी नहीं रोकेंगे तो दोस्तों आगे चलकर ये आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है वो आप ही सोच सकते हैं। जी दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के हर एक चिट्ठे पुर्जे को खोलने वाले हैं कि आपके जीवन काल में आखिर परेशानियां क्यों आ रही है, किन की वजह से आ रही है, कौन सी परेशानियां हैं। जी दोस्तों, और इन्हें आप कैसे खत्म कर सकते हैं, इन सभी की विस्तृत जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अंत तक आपको सभी जानकारियां ध्यान से समझ में आ जाएंगी। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखें जय माता दी, जय श्री कृष्णा। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन काल में पिछले समयांतराल में हर मौसम को देखा है, आपने हर मौसम को झेला भी है। यहाँ पर हम आपको मौसम यानी समय की बात कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम का मतलब समय है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने हर तरह के मौसम को देखा है, हर समय में हर प्रकार की परिस्थिति और सिचुएशन को झेला भी है। अपने जीवन में अच्छा भी देखा है तो आपने अपने जीवन में बुरा भी ज़रूर देखा है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में खुशियाँ जहाँ देखी है, वहीं अपने जीवन में गम भी आपने देखा है। दोस्तों, पिछले समय अंतराल में आपने उम्मीद भी रखी है, आपने अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला हमारा कल बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। आपने सोचा है कि आने वाले समय में हमारी किस्मत ज़रूर बदलेगी, और आप अपने मन में ये सोचते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपने पिछले समय अंतराल में यह भी सोचे हैं कि आने वाले समय में हमें बेहतरीन परिणाम ज़रूर देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें कि दुख में, दर्द में, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, आप अपने दुखों को किसी के साथ व्यक्त नहीं करते हैं या फिर कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके मन में बहुत कुछ करने की इच्छाएँ होती है, कुछ करने की, कुछ बनने की अनेक इच्छाएं, अनेक तमन्नाएं रहती है। आपके मन में कुछ ऐसे भी तमन्नाएं होती है कि आप अपने जीवन में जो आपके मनपसंद चीज़ हैं आप उन्हें प्राप्त कर सकें, आप उन्हें मनपसंद की चीज़ों को, मनपसंद के कार्यों को करें और जिस लेवल पर जाना चाहते हैं उसे प्राप्त करें। लेकिन दोस्तों, आप समय की मार और घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए पीछे हट जाते हैं, या फिर कहीं पर आपको समय की ऐसी मार पड़ती है कि आप अपने अरमानों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आप जानते हैं आप जिस स्थिति पर है, जिस भी लेवल पर है, जो भी कार्य को आपने अचीव किया है वो आपकी मंजिल नहीं है, आप अपने जीवन में अभी भी संतुष्ट नहीं है, आपके बड़े सपने हैं, आप बड़े ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं, ऐसी आप कोशिश भी हमेशा कर रहे हैं। आप बड़े लोगों को देखकर, अपने सपनों को देखकर अपने मन में हमेशा इच्छा बनाते रहते हैं कि हमें अपनी मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, और आप जहां हैं वहां पर आप खुश नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, यह बात भी बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों ने कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपसे जितना हो सका, आप जितना प्रयास कर सकते थे आपने पूरा प्रयास किया, पूरे हृदय से, दिल की गहराइयों से आपने सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत, पूरा
जी जान से मेहनत की है। लेकिन दोस्तों अभी भी आपके कुछ महत्वपूर्ण सपने हैं जो आज भी पूरे नहीं हुए हैं, आज भी अधूरे हैं, और उनको प्राप्त करने की जो ललक है, जो तमन्ना है, वो आपके अंदर अभी भी है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दें कि आप जिनके लिए महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर उनके सहायता करते हैं, दिलोजान से उनकी हेल्प करते हैं, आखिर वही आपको धोखा दे देते हैं। और जब आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों वे पीठ पीछे करके आगे चल देते हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि आपके जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है, और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटनाएँ भी घटी है। यहाँ तक कि कभी कभी आप अपने पूर्व समय को याद करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कभी आप अकेले में बैठते हैं तो ये सोचते हैं कि आपके जीवन में जो आप बनना चाहते थे, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते थे, वहाँ पर अभी भी पहुँच नहीं पाए हैं। इसके लिए आप पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। क्या वह कौन सी वजह है, कौन सा कारण है जिससे आपको सफलता अभी तक नहीं मिल पा रही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि ऐसे बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला कारण है धोखा। दोस्तों आप अपने जीवन में जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, उनकी सहायता कर उन्हें आगे बढ़ाते हैं, जिनको आप अपनी सारी जानकारियाँ भी देते हैं, वही लोग आपको धोखा भी दे देते हैं और आपको नुकसान हो जाता है। इसी के साथ ही मैं आपको बता दें कि दोस्तों आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें जल्दबाजी और उतावले से कार्य करते हैं, उसके कारण भी आप अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आपके जीवन में खराब परिस्थिति का निर्माण हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उस पर आपको विचार करने की जरूरत नहीं है, उसे तो आप ठीक नहीं कर सकते। लेकिन एक बात तो सच है कि बीता हुआ समय आपको बहुत कुछ सिखा गया है और आपने जरूर कुछ अच्छा अनुभव भी किया होगा। आपने देखा है कि बुरे वक्त में किसने आपका साथ दिया है, अपनों के बीच में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन सा तारीफ करता है और कौन बीच में रहकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और पीठ पीछे कौन बुराइयां करते हैं। अब आपको सभी प्रकार की सीख को लेने के बावजूद जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत है, और आप आगे जानते हैं आपको कैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपने अपने जीवन में अच्छे बुरे वक्त में बहुत कुछ अनुभव कर लिया, बहुत कुछ सीख लिया और बहुत सारी परेशानियों को झेल लिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यह समय अवधि में आपकी परेशानियों का अंत होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने पिछले समय जो भी गवाया है वह यश में आपको मिल रहा है। दोस्तों आपका बुरा वक्त अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है और आपके जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे दूर होते हुए इस महीने में आपको नजर आने वाले हैं। दोस्तों यश में आपको फोन अथवा ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी हिम्मत और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेंगे। घर में मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं भी बनेगी तथा प्रसन्नतापूर्ण माहौल रहने वाले हैं। कोई बेहतरीन उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आय के साथ साथ खर्चे की स्थिति भी रहेगी, जिसकी वजह से बचत भी नहीं हो पाएगी। अपने शुभ चिंतकों की सलाह पर अवश्य अमल करें। आपकी अपनी जिद की वजह से ही कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, इसकी आशंका बन रही है। तो दोस्तों यश में इनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि काम से संबंधित जो भी प्रगति की आपको अपेक्षा थी वह प्रगति मिलने भी शुरू होंगी। फिर भी मन की तैयारी ना होने की वजह से आपके अंदर डर भी बन रहा है। आपको बता दें पैसे खो जाने की आशंका भी बन रही है, इसलिए दोस्तों यश में पैसे को संभाल कर रखने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपको अंदर बेहतरीन सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगा, ऊर्जा का आप यश में महसूस भी करेंगे। ज़्यादा लाभ की संभावना नहीं है, परंतु दोस्तों आप अपना बजट संतुलित रखने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित कोई रुकावट दूर होने से उन्हें राहत भी मिल सकती है। साथ ही दोस्तों यश में किसी बनते कार्य में परेशानी अथवा रुकावटें आने से कुछ समय आप जो है मायूसी में रह सकते हैं। दोस्तों यश में आपको भी अपने व्यवहार में कुछ बदलाव लाने की जरूरत होगी। गुस्से और फिर जल्दबाजी के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। दोस्तों ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत यश में
आपके लिए समझूंगे। आपको बता दें कि बीते समय में आपके स्वभाव का लोगों ने जो फायदा उठाया था उसके प्रति रोष बढ़ सकता है। दोस्तों इन घटनाओं के लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं, इस बात को समझने की आवश्यकता होगी। पुराने मित्र के साथ अचानक हुई मुलाकात भी आपको यहाँ से आनंद देने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समूंगी। आपको बता दें कि दोस्तों आपकी लोकप्रियता के साथ साथ संपर्क का दायरा भी इसमें बढ़ने वाले हैं। आपका सिद्धांतवादी दृष्टिकोण आपकी छवि को बेहतर बनाकर रखेगा। रोजमर्रा की दिनचर्या से उबाऊ होकर यह समय आप अपना अधिकतर समय स्वयं के रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करेंगे। यह समय किसी भी प्रकार का लोन या फिर उधार लेने का प्रयास ना करें। दोस्तों कोई पुरानी नकारात्मक बातें आपके ऊपर हावी होने की वजह से आपके मनोबल में भी कुछ कमी ला सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें और यश में अपना आत्मविश्वास बनाकर रखने का प्रयास करें। अपने अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको कुछ समय मेडिटेशन पर भी ध्यान देना चाहिए। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि आप पर बढ़ रहे मानसिक तनाव के कारण आप अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी बात पर पूरी तरह अपना ध्यान दे पाएंगे। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें और अधिकतर समय जो है अकेले में रहने का कोशिश करें। लोगों के प्रति नकारात्मक भावना इसमें आपके अंदर बढ़ सकती है, तो इनसे आप बचने का प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों ग्रह स्थिति आपके लिए शुभ समाचार भी देने वाली है। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होने की भी संभावना है। पिछले कुछ समय से चल रहे खराब संबंधों में भी सुधार आएगा। सामाजिक या फिर धार्मिक यात्रा संबंधी कोई प्रोग्राम भी बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें, दिखावे के चक्कर में ज़्यादा खर्च या फिर कर्ज लेने से बचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों बाद में आपको इससे पछताना पड़ सकता है, तो अभी ही आपको सावधान रहें। दोस्तों आपको बता दें यश में अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो दोस्तों उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा आपकी छवि पर आंच आ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके द्वारा लिए हुए निर्णय को लोगों द्वारा विरोध किया जा सकता है। उनके विरोध को मिटाने के लिए उनकी भी बातों को समझना आपके लिए इसमें आवश्यक होगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपको कभी कभी तनाव बढ़ सकता है, जिम्मेदारी का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन दोस्तों ये जो समय होंगे अंत में आपका अधिकतर काम काज जो है आसानी से पूरी भी होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, तो यदि भागीदारी में कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों व्यवसाय संबंधी जानकारी आपको प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय में गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी, परंतु अपनी कार्य योजना में कुछ बदलाव लाने की भी आवश्यकता होगी, जिससे और अधिक बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों ध्यान रखें कि यश में कुछ कानूनी अथवा निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय में ये जो समय है आपके लिए मार्केटिंग संबंधी कामों को निपटाने का उचित समय होगा। कुछ ठोस निर्णय भी आप लेने में यश में कामयाब रहेंगे, परंतु निवेश संबंधी कार्यों को स्थगित रखें। यश में आर्थिक स्थिति कुछ धीमी बनी रहेगी। नौकरी में ऑफिस का माहौल भी यश में सकारात्मक रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कार्य क्षेत्र में आपका पूर्ण नियंत्रण व फिर वर्चस्व बना रहेगा, परंतु अपनी कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें। यह समय जमीन ज्यादा संबंधी कार्यों में बेहतरीन सफलता भी आपको मिलने वाली है। आपको बता दें कि नौकरी पेशा व्यक्तियों को कार्यभार की अधिकता रहेगी और इनके वजह से घर पर भी आपको देरी से जाना पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में व्यवसाय तथा नौकरी दोनों जगहों पर अपनी कार्य प्रणाली में आपको कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत होगी। काम की अधिकता बनी रहेगी, परंतु इन्हें आप सहयोगों के सहयोग से पूरा करने में भी समर्थ रहेंगे।